आई थिंक अनुपम जी इज कमिंग अलोंग विद दैट कि भाई प्रोडक्ट कुछ भी हो, सर्विस कुछ भी हो, पर जो जर्नी होती है वो क्या है वो उनको मालूम है। विनीता जी का भी जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि जिन्होंने खुद का एक D2C ब्रांड बनाया है, सो आई थिंक दैट कॉम्बिनेशन इज रियली अमेजिंग एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। सो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि भाई वो सारे शार्क इंडिविजुअली इतना समय दे रहे हैं किसी फाउंडर को समझने के लिए। दे नीड वेरी सिंपल एंड क्लियर आंसर। एपिसोड में वो चीज एयर करे या ना करे, पर वहां पे बहुत ही डिटेल डिस्कशन होता है कि भाई शहद बनता कैसे है। लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि बी कीपिंग सीक्रेट रिसर्च क्या। है आपकी, आप फुल ऑन। सीजन वन मैंने बहुत मतलब डिटेल में देखा था, बहुत बार ही हाँ रिपीट करते करते भी देखते थे। हाय हार्दिक, हाउ आर यू? यस आई एम गुड। यू आर डूइंग ग्रेट। अभी कुछ अभी कुछ चेंजेस आए हैं, बिकॉज यू शुड डू ग्रेट राइट नाउ। मतलब शार्क टैंक में गए, डील लेकर आए, और अभी कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत ही काम आ गया है, मतलब थैंकफुली। डेफिनेटली फॉर एनी फाउंडर गेटिंग मोर वर्क एक्चुअली इज अ पॉजिटिव थिंग, सो वी आर रियली डूइंग गुड इन दैट केस। चलो, गुड टू नो दैट। और हनी वेदर, जितनों को नहीं पता है, बता दूं, एक ऐसा ब्रांड है जो एक ऐसा स्टार्टअप है, और आई वुड से जो अभी रिसेंटली शार्क टैंक में गया, उनको और सभी शार्क्स ने पूरा इंटरेस्ट दिखाया और सबको पसंद आया हनी वेदर का जो ब्रांड है और उनका काम है। और विनीता और अनुपम ने आपके साथ, वो ऑन बोर्ड भी आए, उन्होंने डील ऑफर की और आपने डील क्रैक कर ली दोनों ने। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर दैट। बट मुझे तो पता है हनी वेदा क्या है, क्योंकि मैंने तो एपिसोड देखा है, लेकिन जितनों ने नहीं देखा और जितनों को आज आप बताना चाहते हैं हनी वेदा क्या है, सो प्लीज गो ऑन फॉर दैट। तो मतलब हनीवेदा की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि भाई जब मैं अपने जॉब के साथ वीकेंड एक्टिविटी कर रहा था बी कीपिंग, और मुझे पता चला कि भाई ये हनी बीज, वैसे तो लोग डरते हैं उनसे, पर जैसे जैसे उसके बारे में मुझे पता चला कि भाई उनका पूरी एग्रीकल्चर या पूरे इकोसिस्टम में क्या इम्पैक्ट है, उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि भाई जो शहद हम नॉर्मली कंज्यूम करते थे मार्केट से लेके, तो बी कीपिंग के दौरान हमें पता चला कि भाई अलग अलग फूलों का शहद अलग अलग होता है, तो ये कैसे हो सकता है कि भाई पूरे साल एक ही स्वाद का, एक ही टेक्सचर का आपको शहद हमेशा मिल रहा है। सो दैट वाज अ रिवीलिंग पॉइंट फॉर मी, और बिकॉज ऑफ दैट मैंने थोड़ा अंदर रिसर्च किया, किसानों के साथ काम किया, फार्म्स में काम किया, हम लोग फॉरेस्ट में भी गए, तो पूरा हमें पता चला कि भाई हनी बीज जो है वो इकोसिस्टम को भी मदद करती है, किसानों को हनी बीज की वजह से उसकी यील्ड में भी इंक्रीज होता है, और बी कीपिंग एक ऐसी डिजाइंड एक्टिविटी है जहां पे आप बीज को मारे बिना बी प्रोडक्ट जैसे के शहद है उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये पूरी वैल्यू चेन जो है, ये वैल्यू चेन में जितने भी स्टेक होल्डर है, इकोसिस्टम स्टेक होल्डर ले लीजिए, बीज को स्टेक होल्डर ले लीजिए, किसान को ले लीजिए, मी एज अ बी कीपर ले लीजिए, या कंज्यूमर, सबका एक विन विन सिचुएशन है। तो हम लोगों को ऐसा शहद देना चाहते हैं कि जो 100% प्योर हो, 100% नेचुरल हो, और इस दौरान हम मधुमक्खी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू डिलीवर टू कंज्यूमर्स, और हम चाहते हैं कि लोग ग्रेजुअली इसको अपना डे टू डे लाइफ में इसको एक साथ में जोड़े इसको। ओके अच्छा, मार्केट जाते हैं ना, तो मार्केट में बहुत तरह की हनी मिलती है, एंड सबके घर में हनी इज वन ऑफ दोस थिंग्स जो यूज होती ही होती है, सबके किचन में रहती है हनी। तो यस हाउ इज योर हनी डिफरेंट देन अदर्स? आप कह रहे हो कि प्योर है, रॉ है, इट्स ऑर्गेनिक ऑल्सो, बट क्या इसके टेस्ट में भी काफी चेंज लगता है? हैव यू चेक दैट ऑल्सो? देखिए, इसमें टेस्ट में बहुत ही फर्क है। अगर हम कोई एक फ्लोरा, जैसे हम लीची के बाग में है उत्तराखंड में, तो वहां से जो शहद आता है उसका स्वाद और कलर पूरा ही अलग है उस हनी से जो हम गुजरात में जहां पे अजवाइन के फार्मिंग होते हैं वहां से हम जो हार्वेस्ट करते हैं। तो अगर वो फूल बदल जाएगा तो उसका शहद बदल जाएगा, क्योंकि ओके मधुमक्खी जो शहद बनाती है वो फूलों के रस से बनाती है, तो वो फूल अलग है तो वो शहद अलग है। अच्छा। बट कितनी तरह की हनी है आपके पास अभी? देखिए हनी बीज, वैसे तो वैज्ञानिकों ने बोला है कि 20,000 अलग अलग ब्रीड्स है हनी बीज की, तो उसमें से हम तो अभी ये सिर्फ रिसर्च है आपकी, आप फुल ऑन 20,000 यस नहीं मतलब इतना तो वो डॉक्यूमेंट कर पाए, इससे तो ज्यादा ही होगी, बहुत सारी सोलिटरी बीज भी होगी फॉरेस्ट वगैरह में, हाँ पर इतना डॉक्यूमेंट कर पाए। हालांकि अभी हम हमारे बी कीपिंग एक्टिविटी के लिए एक ही ब्रीड पे अभी हम फोकस कर रहे हैं, वो एपिस मेलिफेरा बोला जाता है,
बट अभी शॉर्ट ही टाइम में हम लोग एपिस सेरेना जो हमारी एशियाटिक बीज है उस पे भी हम लोग काम चालू करेंगे। ओके, बट आपका मेन पर्पस क्या था शार्क टैंक इंडिया में जाने का? व्हाट वाज द बेसिकली द इन्वेस्टमेंट मॉडल जो आप सोचे गए वहां पर? देखिए इन्वेस्टमेंट मॉडल के बारे में तो हम बात कर सकते हैं, पर जो मेन एम जो मेरा ये था कि जब मैंने बी कीपिंग शुरू किया तो मुझे ये पता चला कि मतलब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि भाई शहद बनता कैसे है। लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि बी कीपिंग चीज क्या है, क्या इसमें मधुमक्खी को मारते हैं नहीं मारते हैं। तो मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैंने बहुत ही मेहनत की अवेयरनेस करने की, पर मुझे लग रहा है कि शार्क टैंक में पार्टिसिपेट करना और उस प्लेटफॉर्म पे जाके इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना, तो मेरे ख्याल से ये अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ी बात है। अगर मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे शार्क्स ने इंटरेस्ट दिखाया, ऑफर दिया, वो लोग हमारे साथ जुड़े, पर मेरे ख्याल से जस्ट गोइंग इन दैट प्लेटफॉर्म एंड सेइंग दिस इंफॉर्मेशन और लोगों को पता चला कि भाई मस्टर्ड हनी क्रिस्टलाइज होता है तो भी गलत नहीं है, अजवाइन हनी भी एक ऐसी हनी होती है विच इज कम्प्लीटली अमेजिंग एंड यूनिक, तो ये इंफॉर्मेशन देना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो वहीं पे हम लग रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट वहीं पे हमें मिल गया। लेकिन जब शार्क टैंक में गए तो शार्क टैंक में तो बाद में गए, बट शार्क टैंक से पहले भी आपका काम चल रहा था हनी वेदा का, तो उस टाइम किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा था बिफोर शार्क टैंक? उससे पहले भी रिस्पांस बहुत ही अच्छा था, पर उसमें हमारी रीच बहुत ही लिमिटेड थी। जैसे बहुत ही अर्ली स्टेज में हम लोग कुछ फूड एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते थे, तो वहां पे जाके जिन जो लोग हमें मिलते थे जिससे मैं इंफॉर्मेशन देता था, तो वो एक लिमिटेड रीच थी हमारी। हालांकि वहां पे भी ग्रेजुअली हमारा ब्रांड बिल्डअप हो रहा था, लोगों को धीरे धीरे पता चला, स्टार्टअप कम्युनिटी में आई वॉज लिटिल एक्टिव इन इन गुजरात एंड ऑल एरिया, तो वहां पे ग्रेजुअली इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही थी, बट आप समझ सकते हैं कैन नॉट बी एट पार विथ द शार्क टैंक शो डेफिनेटली, तो वो रीच बहुत बड़ा मिल गया हमें। अच्छा, जितने आपको तो डील मिली सो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट बहुत सारे पिक्चर्स ऐसे जाते हैं जिन्हें डील नहीं मिलती है, तो उनको आप क्या क्या मैसेज देना चाहते हो, या कोई सजेशन है जो आप उनको देना चाहते हो कि बिकॉज जो जहां से मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लॉस तो देखो आपका कहीं नहीं है, चाहे आप आपको डील मिले या ना मिले, बिकॉज अल्टीमेटली आपको वो एक्सपोजर टीवी पर वो मिल रहा है एंड आपका ब्रांड कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हो रहा है, बट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए इसमें शार्क के सामने आप खड़े हैं तो आपका एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई ठीक है सिर्फ मुझे इसको एक मार्केटिंग एंगल से ही देखना है, तो ठीक है आपने कुछ अचीव कर लिया, पर जब कोई फाउंडर वहां जाता है तो उसका ये टारगेट होता है कि आज मेरा बिजनेस एक्स लेवल पे है, मुझे इसको एक्स प्लस 1000 लेवल पे पहुंचाना है, तो वो जर्नी तो एक्चुअली वहां से शुरू हो रही है और वो जर्नी के लिए हमें शार्क या उस जैसे लोग की जरूरत है कि भी हमें उस लेवल तक पहुंचा सके। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ओनली मार्केटिंग है, डेफिनेटली एज यू मेंशन कि वो तो वहीं पे अचीव हो रहा है, पर अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने अभी तो एक मॉडल डेवलप किया है, मैंने अभी एक इनिशियल वैलिडेशन अचीव किया है, पर वैलिडेशन एक चीज होती है, स्केलअप एक अलग चीज होती है, तो स्केलअप के लिए तो डेफिनेटली जर्नी अभी चालू हुई है वो। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और किससे एक्सपेक्ट कर रहे थे जब शार्क टैंक में जा रहे थे? आई एम प्रीटी श्योर कि कोई ना कोई माइंड में एक्सपेक्टेशन होगी, एंड पहले तो मुझे ये बताओ कि पहले से फॉलो कर रहे थे शार्क टैंक इंडिया को या फिर नहीं, लाइक लास्ट सीजन देखा था? नहीं जरूर मैंने सीजन 1 मैंने बहुत मतलब डिटेल में देखा था, बहुत बार ही रिपीट करते करते भी देखते थे, तो हालांकि हर एक शार्क का एक प्रोफाइल हर हर इंसान अपने हिसाब से परसीव करता है कि भाई दिस शार्क इज हैविंग दिस प्रायोरिटीज और मे बी उनको ये चीज ज्यादा पसंद है, तो मुझे ऐसा लग रहा था बिकॉज हनी इन अ इंडस्ट्रियल लेवल इट इज यूज्ड इन अ न्यूट्रास्यूटिकल एंड अ फार्मास्यूटिकल लेवल, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद नमिता जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बहुत जगह पे रॉ मटेरियल के हिसाब से वो यूज भी होता है। दूसरा एक ये था दिमाग में, ठीक है पीयूष जी मतलब ज्यादातर सोशल वेंचर्स या किसानों को जो जहाँ से मदद मिलती है शायद उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बट आई एम वेरी ग्लैड दैट अनुपम जी ने इंटरेस्ट दिखाया, बिकॉज एक चीज होती है कि एक इंडिविजुअल सेक्टर अलग चीज है, पर एक ये होता है कि भाई एक इन्वेस्टर है जिनको बिजनेस क्या होता है वो मालूम है, सो आई थिंक अनुपम जी इज कमिंग अलोंग विथ दैट
भाई प्रोडक्ट कुछ भी हो, सर्विस कुछ भी हो, पर जो जर्नी होती है वो क्या है वो उनको मालूम है. ही हैज बीन इन टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्टर स्टार्टअप्स. तो हैविंग दैट पर्सन ऑन बोर्ड रियली टेक्स यू क्वाइट फार. एंड उसके साथ विनीता जी का भी जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि जिन्होंने खुद का एक D2C ब्रांड बनाया है, सो आई थिंक दैट कॉम्बिनेशन इज रियली अमेजिंग एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट. लेकिन अगर मैं डिफरेंस पूछूं आपसे, तो आपने सबसे बड़ा डिफरेंस क्या नोटिस किया इन इन अलग अलग शार्क्स में, कोई चीज अगर आप बताना चाहें? बिकॉज हम देखते हैं जो टीवी में एक टेलीकास्ट जो होता है वो देख रहे हैं, बाद में एडिटेड वर्जन्स और जो भी है, काफी सारे कट्स भी होते होंगे ऑफ कोर्स उसके अंदर, आपका शूट लंबा होता होगा, लेकिन आपने सबसे बड़ा डिफरेंस इन लोगों में क्या देखा जो आपको पहले नहीं पता था और आप देख के थोड़े सरप्राइज हुए शार्क्स को देखकर? आई थिंक द फर्स्ट थिंग वॉज कि द एक्चुअल डिस्कशन बहुत ही लंबा हुआ. डेफिनेटली जब जब एयर होता है शो तो सारी चीजें नहीं दिखाते, तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि भाई वो सारे शार्क इंडिविजुअली इतना समय दे रहे हैं किसी फाउंडर को समझने के लिए. सो मतलब इतना डिटेल में जा रहे हैं, सब समझ रहे हैं, थोड़े एम्पेथेटिक भी है कि भाई उनको मालूम है कि भाई ये बंदा यहाँ तक पहुंचा है तो बहुत सारी मुश्किल से निकला होगा तभी तक यहाँ तक पहुंचा है, तो वो चीज उसके दिमाग में ऑलरेडी है. तो एक रिकॉग्निशन भी उनसे मिल रहा है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि भाई उस लेवल के लोग इतना डिटेल में हमसे बात कर रहे हैं, हमसे समझ रहे हैं. सो दैट इज रियली अमेजिंग. बट जैसा आपने ओवरऑल एक्सपेक्ट किया था, आप एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन से ऑफ कोर्स गए होंगे, और आपने खुद बोला कि मैं लास्ट सीजन देखा था, लास्ट सीजन में आपने कई बार, आप कह रहे हो कि आपने एक एपिसोड कई बार देखा चीजें समझने के लिए, सो वर यू अमंग द वंस जो प्रॉपर नोट्स बनाते थे कि इस तरह से भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल? या आई थिंक देयर आर सम बेसिक क्वेश्चंस कि भाई आपके फिगर्स क्या है, यू यू हैव टू हैव योर फिगर्स इन माइंड. आप ये नहीं बोल सकते कि शायद इतना हुआ होगा, सो यू नीड टू बी प्रिसाइज इन योर फिगर्स. आप जो अपने मार्जिन्स बता रहे हैं तो वो एक प्रिपरेशन आपने कर ली है कि भाई आपको पता होना चाहिए व्हाट आर योर ग्रॉस मार्जिन्स. आपके बिजनेस के एनालिटिक्स आपको मालूम होने चाहिए, कितने कंज्यूमर्स है, क्या सेगमेंट है, इंडस्ट्री के बारे में आपको मालूम होना चाहिए. तो ये सारी चीजें तो डेफिनेटली जब फर्स्ट सीजन देखा तो पता चला कि नहीं, ये सारी चीजें और ये सारी तैयारी हमें करनी पड़ेगी, तो वो जरूर एक रेफरेंस के हिसाब से हुआ था वहां पर. अच्छा, दे आर लाइक ऑल द शार्क्स, जितने भी शार्क्स है शार्क टैंक इंडिया के, एवरीवन इज अ वेरी बिग नेम इन द इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री में सबसे बड़े बड़े नाम है. तो एक तो आपको चलो यहाँ पर डील मिली, जो ऑफर आप उनको दिया गया कि अनुपम ने दे दिया या विनीता ने दे दिया, किसी ने भी दे दिया इनफैक्ट, लेकिन किसकी जर्नी ऐसी रही है जो आपको लगता है आपने आपने जिसको आप जो आपको कहीं ना कहीं वो इंस्पायर करती है, आपको दिखाती है कि हाँ कि ऐसे भी एक जर्नी होती है एक फाउंडर की? वेल आई गेस एक नाम तो नहीं ले सकता. आई मीन सभी लोगों ने अपने अपने लेवल पे, अगर मैं किसी एक शार्क के बारे में अगर 2 मिनट भी सोचता हूँ तो लगता है कि हाँ भाई उसको भी कितनी चैलेंज हुई होगी. मतलब हम पीयूष जी की बात करें तो कहने के लिए किसी भी सिटी में आप जाओ बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि अलग अलग रिटेल आउटलेट्स है जहाँ पे आपको स्पेक्स मिल रहे हैं, आपको लेंस सर्विसेज मिल रही है, पर उसी में से एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना देना और पूरे इंडिया में उसकी रीच बना देनी, तो कहने के लिए तो हम बोल सकते हैं कि इट इज जस्ट स्पेक्टेकल्स. बट वैसे आप देखने जाओ तो ही क्रिएटेड ह्यूज थिंग अबाउट अराउंड इट. हम विनीता जी की बात करें तो द सेगमेंट कॉस्मेटिक्स इज ह्यूज. किसी भी मॉल में चले जाओ तो बहुत ही छोटे एरिया में भी आपको कम से कम 50 से 100 ब्रांड मिल जाती है. इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी अपना खुद का एक D2C बनाना, मतलब मैं आई एम रियली सॉरी डायरेक्ट आंसर, बट हर एक की जर्नी, बिकॉज देखो मतलब इस लेवल पे पहुंच के आई हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि किसी इंसान ने प्रोडक्ट और सर्विस छोड़ दो, मतलब उसका जो कन्विक्शन होता है कि नहीं भाई मुझे ये चीज के ऊपर कुछ करना है, कि भाई अमन जी की बात करें तो मतलब अ लॉट ऑफ ब्रांड ऑलरेडी थे इलेक्ट्रॉनिक्स में और बड़े बड़े नाम थे. तो आज अगर मैं अपनी लेवल पे सोचूं कि भाई मेरा हनी है पर मेरे 1000 कंपटीटर्स है, तो वही सिचुएशन में वो भी थे एक समय पे, तो उन्होंने भी कुछ बड़ा बना दिया है. सो दिस इज एन इंस्पिरेशन यार कि हम भी कर सकते हैं. इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन आई गेस. तो वो एग्जीक्यूशन जो है मेरे ख्याल से वही उन लोग से हमें समझना है.
लेकिन आप अभी होकर आए हो शार्क टैंक इंडिया में, तो बाकी ऑन्टरप्रेन्योर्स जितने हैं, जितने स्टार्टअप सभी हैं, उनको आप कुछ कहना चाहते हो कि कितने टाइम बाद एक्चुअली उनको देखना चाहिए अपना बिजनेस, एंड देन उसके बाद दे शुड गो एंड यू नो मेक देयर पिच टू द शार्क्स. वेल आई गेस ये बहुत ही क्लियर है। देखो, स्टार्टअप्स में जितनी भी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे देश में, द नोडल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट सपोर्ट, ग्रांट सपोर्ट, आप बहुत सारे रास्ते ले सकते हैं अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से। पर एक चीज बहुत ही क्लियर है, जो शार्क्स भी हमेशा बहुत सारे फाउंडर को बताते हैं कि भाई उनका जो लेवल है वो ऐसा है कि भाई यू हैव इनिशियली एस्टैब्लिश योर सेल्फ, थोड़ा आपका आइडिया वैलिडेट हो चुका है, स्पेसिफिकली आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव हो गया है। ये चीज तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से जब हो गई है उसके बाद ही मेरे ख्याल से वो आपको मदद कर सकते हैं। तो आपका इनिशियल रेवेन्यू कुछ होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप वहां जाके बताए कि भाई आई एम प्री रेवेन्यू स्टेज। तो आई एम नॉट जजिंग दो स्टार्टअप्स, मैं स्पेसिफिकली यही पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि शार्क टैंक में आपको कौन से लेवल पे जाना चाहिए। तो अगर आप प्री सीड पे है या प्री रेवेन्यू स्टेज पे है, तो देर आर मेनी अदर रेवेन्यूज जहां पे आपको पहले शुरुआत करके एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करने के बाद आप शार्क टैंक में आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पास एक रेवेन्यू स्टेज होना चाहिए, प्रोडक्ट मार्केट फिट एक बेसिक होना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि आपका अभी का प्रोडक्ट मार्केट फिट वही कंटिन्यू रहे। शार्क्स कैन कम विद देयर एक्सपीरियंस एंड से कि भाई ठीक है तुमने ये किया है, पर इससे बेटर तुम ये करके ये कर सकते हो, सो यू कैन चेंज इट ऑन अ लेटर से, दैट इज ओके। बट अपने लेवल का तो एक डेवलपमेंट होना ही चाहिए आपको कि हाँ भाई मेरे एक्स प्रोडक्ट का मेरा ये है, मेरा इतना रेवेन्यू चल रहा है, अब मुझे इसको आगे बढ़ाना है। सो आई थिंक एंड अदर थिंग इज दैट यू शुड नो योर फिगर्स वेरी वेल, कि भाई आप ये नहीं बता सकते कि मेरे अकाउंट वालों को मालूम होगा कि क्या अभी चल रहा है। यू शुड नो योर फिगर्स मैट्रिक्सेस, मेरे मार्जिन्स क्या है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कितने समय पे मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ, ये चीज मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि दे नीड वेरी सिंपल एंड क्लियर आंसर। आप अपने आंसर देने में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रख सकते, अदरवाइज उनको ये लगता है कि भाई ही इज कंफ्यूज। यू नीड टू वेरी सिंप्लीफाई मैनर में क्लैरिटी के साथ बोलना पड़ेगा कि मेरे अगले 2 या 3 साल का मेरा ये टारगेट है। एपिसोड में वो चीज एयर करे या ना करे, पर वहां पे बहुत ही डिटेल डिस्कशन होता है एंड आई एम थैंकफुल फॉर डेट। मतलब ये बहुत अच्छी चीज है कि भी इतने लेवल के लोग हमें इतना समय देते हैं। तो जब वहां पे वो पूछते हैं कि भाई तुम्हारा आगे टारगेट क्या है, करना क्या चाहते हो, वहां पे अगर आपके आंसर में कॉम्प्लेक्सिटी या आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, क्लैरिटी नहीं होगी, then they will not come with you, I think. वेल थैंक यू सो मच हार्दिक. आई मीन मुझे लगता है कि जितने अच्छी तरह से आपने बताया है और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई है कि किस तरह से लोगों को या पिचर्स को जो सोच रहे हैं जाने का मे बी नेक्स्ट शार्क टैंक इंडिया में या किसी और सीजन में, तो उनको काफी हेल्प हो सकती है. सो थैंक यू फॉर दैट, एंड इट वॉज डेफिनेटली एन इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन दैट आई जस्ट हैड विद यू. बट विद दैट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हनी वेदा, एंड आई रियली होप कि जिस पर्पज से आपने यू नो इन शार्क्स को ऑनबोर्ड किया है एंड जितने खुशी से और एक्साइटमेंट के साथ वो आए हैं, वो पर्पज जरूर फुलफिल हो. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बाय बाय.